ठीक है, वो क्या सोचा बेचारा कि भैया हर जगह जो विद्रोह हो जाता है वो किस कारण हो जाता है, कुछ तो कारण होगा। कारण तब उसने ये सब कुछ सोचा, सब कुछ तो निष्कर्ष निकाला कि ये विद्रोह होने का कारण एक ही है कि जब लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, लोगों के पास धन होता है, जमीनें होती हैं, तब वो कहीं ना कहीं वो लोग विद्रोह करते हैं और तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचता है कि इतने मुझसे पहले भी, जैसे जलालुद्दीन था उसका भी तख्ता पलट तो मैंने ही किया, उससे पहले भी थे बलबन थे, तो इन सब का तख्ता पलट कैसे हुआ। इन सब पे जब वो सोचता है तो वो अपनी जो प्रशासन प्रणाली होती है उसमें उस चीजों को वो करता है कि अब इसे सुधारना है कि ये तख्ता पलट वाला जो स्थिति है ये हो ना फिर से, ठीक, जब तक मैं जिंदा रहूं। तो ये क्या करता है, जितने लोग भी अमीर होते हैं इसके शासन में, उसको पहले क्या करता है, इसका टारगेट रहता है कि उनको गरीब कर दो, इतना गरीब कर दो कि वो पैसे पैसे के मोहताज हो जाए। जब भैया पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, तब तो कोई आपका साथ भी नहीं देगा जब पैसा नहीं रहेगा, ना आपके पास कोई सेना रहेगी, ठीक है। तो वही किया इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इतना ज्यादा कर लगा दिया, ठीक है, कि इंसान उससे देते देते जो है गरीब बन गया। और जब गरीब बन गया और जितने जमींदार थे अपने यहाँ, जैसे बोला जाए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो रजवाड़े थे, सबसे ज्यादा इनके पास जमीन थी, सबसे ज्यादा धन दौलत था, इनको क्या किया, इनकी जमीनें सब हड़प लिया, अपने में मिला लिया, सब अपने अंतर्गत कर लिया, और जो भी पैसे वाले थे सब पे कर लगा के उन्हें निर्धन बनाता चला गया। और एक ऐसा समय आ गया कि जितने हमारे यहाँ के रजवाड़े थे, जितने आपके जो है अमीर थे, ठीक, वो सब क्या हो गए, एकदम गरीब हो गए और एक एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए, ठीक है। तो हम ऐसे ही देखेंगे इसके शासन प्रणाली को, इसने क्या क्या शुरू किया था, कैसे अपने शासन प्रणाली में किन किन व्यवस्थाओं को ये लागू किया था। तो पहले हम बात करेंगे इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में, जो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट रेगुलेशन एक्ट इसने ले आया था कि मार्केट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखो इसे क्या था कि एक बड़ी सेना तैयार करनी थी, क्यों करनी थी, क्योंकि इसका जो है एम क्या था कि भारत को पूरा, भारत पे पूरा विजय प्राप्त करना है। और विजय प्राप्त करने के लिए अकेले तो कर नहीं सकता, इसके लिए सेना चाहिए, और सेना चाहिए तो कम दाम में सेना चाहिए, अभी उतना पैसा भी नहीं था, तो पैसा कम दे के सेना को कैसे लाया जाए उस पर इसने दिमाग लगाया। उसके लिए उसने क्या किया कि बाजार जो था उस पर नियंत्रण किया, कि जब हम चीजों को एक फिक्स प्राइस पिला देंगे, ठीक है, सभी चीजों की एक फिक्स प्राइस कर देंगे, चाहे उस समय कुछ भी हो, चाहे डिमांड आपका हाई हो चाहे डिमांड लो हो, प्राइस आपका एक ही रहेगा, उसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, जब प्राइस आपका एक मूल्य पे रहेगा तो लोगों को कम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है आपका, तो इसलिए उनको कम वेतन में भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लिया, ठीक, और इसके वजह से उसने काफी मात्रा में सेना तैयार किया। और वो सेना इसको पूरा का पूरा दक्षिण भारत, उत्तर भारत विजय जो ये अभियान करता है, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया, उसमें इसका पूरा साथ देती है। और इससे सेना भी खुश रहती है, जनता भी खुश रहते हैं, जो गरीब जनता होती है वो भी खुश रहते हैं कि भाई इतना महंगी महंगी चीजें कम दाम में मिलने लगी हैं, ठीक। तो वही देखेंगे हम आज। तो इसका जो है जिक्र जो आपका मिलता है बाजार नियंत्रण प्रणाली का, जो मार्केट कंट्रोल का, वो किसमें मिलता है, जो बर्नी की किताब है, कौन सी, तारीखे फिरोजशाही, उसमें आपको इसका देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ इतिहासकार हैं वो क्या कहे थे, देखो कहे थे कि मॉरलैंड के हिसाब से अगर माना जाए तो उसने अनुमान लगाया था कि अगर सामान्य वेतन पर, ठीक है, भी सेना को संगठित करता है तो उसका जो धन है सिर्फ 5 वर्षों तक ही चल पाएगा। मतलब ये कि अगर जितना वो वेतन दे रहा है इस हिसाब से अगर, क्योंकि उसकी जो नीति थी क्या थी, सेना इकट्ठा करना और भारत पे, पूरे भारत पे विजय प्राप्त करना, तो उस पे अगर वो जितना वेतन देता था उतना अगर वेतन दे तो उसका मात्र सिर्फ 5 साल में क्या हो जाएगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, उस हिसाब से सेना भी नहीं मिल पाएंगी, ये मोरलैंड ने कहा था, ठीक। उसने सैनिकों के वेतन को कम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो, कम करने के लिए निश्चय किया, परंतु उन्हें किसी तरह की परेशानियां ना हो इसके लिए क्या किया, वो बाजार पे नियंत्रण लगाया, ठीक है। जब बाजार पे नियंत्रण लगाया तब तो क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा
जब उसको कम दामों में लोगों को मिलने लगेगी हर चीज़, तो उन्हें पैसे की भी कम जरूरत पड़ेगी, तो सैलरी कम देने लगा और सेना जो है अपना बढ़ा लिया। आते हैं कि इसके किन किन प्रकार के बाजार थे आपके, ठीक है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि मेनली इसके चार प्रकार के बाजार थे जिसपे इसने नियंत्रण किया था। पहला आपका था गल्ला बाजार, ठीक है। गल्ला बाजार में बात करें तो इसमें इसको बोला जाता है अनाज मंडी, आज के लफ्जों में अगर बोले, आज के समय में बोले तो इसे बोला जाता है अनाज मंडी, ठीक है। इसे उस समय नाम क्या था इसका, गल्ला ए मंडी, ठीक है, उस समय का नाम था इसे इसका गल्ला ए मंडी। तो इसमें क्या होता था कि आपका जो भी व्यापारी होता था उसे अपना अनाज अगर बेचना होता था तो इसी मंडी में लाकर बेचता था, और एक फिक्स प्राइस जो है सुल्तान के द्वारा तय कर दिया जा रहता था कि इस अनाज का, इस जो है चाहे वो गेहूं हो चाहे जौ हो चाहे जो भी क्रॉप हो आपका, उनके सभी के दाम फिक्स कर दिए जाते थे और उसी फिक्स प्राइस पे यहाँ पे खरीदा जाता था व्यापारियों से, और वही व्यापारी यहाँ बेच सकते थे अपना अनाज जो क्या हो, रजिस्टर हो, किसके द्वारा, इसने दीवाने, एक दीवाने रियासत एक जो है विभाग बनाया था, उसी में जाके उन व्यापारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, जो व्यापारी रजिस्टर्ड होंगे वही जो है अपना जो है गल्ला जो है इसमें बेच सकेंगे। और इसका जो गल्ला बाजार का जो प्रमुख बोला जाए एक तरह से कौन नियंत्रण करता था, उसे कहा जाता था सहाना ए मंडी, ठीक है। जो पूरा बाजार गल्ला मंडी जो देखता था उसे क्या कहते थे, सहाना ए मंडी। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि सहाना ए मंडी का क्या काम था, तो ये एक तरह से बोल सकते हो कि यह गल्ला बाजार का नियंत्रण करता था, ठीक है। और उस समय जो है आपका अलाउद्दीन के समय कौन बना था, ये भी आपसे अगर पूछता है कि सहाना ए मंडी का पद किसे मिला था, तो मलिक काबुल को मिला था। कौन था वो, मलिक काबुल था, अलाउद्दीन ने मलिक काबुल को सहाना ए मंडी के पोस्ट पर दिया था। और इसमें अनाज को बढ़ावा देने के लिए अनाज मंडी में अलाउद्दीन ने क्या किया, नगद जो भू राजस्व लेता था कहीं कहीं से, वहां से नगद भू राजस्व ना लेकर अनाज के रूप में जो है कर वसूलने लगा था, ताकि जो है अनाज जो है हमें काफी मात्रा में आपका गल्ला मंडी में आ सके, ताकि उसे फिक्स प्राइस पे जो है हमारे सैनिक, जो हमारे देश में जनता है वो ले सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बाजार क्या था इसका, जूम कर दे रहा हूं। दूसरा जो था वो था सराय अदल। सराय अदल जो था एक कपड़े का बाजार था, ठीक है। इसमें क्या किया उसने, इस बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के अलावा जड़ी बूटी, घी, तेल आदि वस्तुएं भी बेची जाती थी। तो इसमें जो है मेनली क्या आपकी बेची जाती थी, जड़ी बूटी, घी, तेल आदि जो है वस्तुएं बेची जाती थी। और इसका जो निरीक्षण करता था, निरीक्षक था एक तरह से, प्रमुख बोल सकते थे, कौन था, राय परवाना था। यही क्या करता था, इस बाजार के लिए लोगों को परमिट जो है अलाउ करता था कि आपको परमिट दे दिया जाता है। जैसे आज भी क्या होता है कि आपको कहीं, आपको मार्केट में आपका व्यापार करना है आपको, तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिट जारी कराना पड़ता है व्यापार के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर भी सुल्तान की तरफ से परमिट जारी किया जाता था। तो ये क्या करता था, आपका राय परवाना जो था, जो व्यापारी आता था इससे मिलता था और कहता था भैया मुझे इस टाइप का व्यापार करना है, मुझे सब्जी बेचना है, मुझे तेल बेचना है, मुझे घी बेचना है, इस टाइप का कुछ व्यापार अपना बताता था। वो क्या करता था, परवाना ले के आता था सुल्तान के पास, बोलता था ये फला फला व्यापारी आए हैं, ये रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, इसमें परमिट मांग रहे हैं अपना व्यापार करने के लिए, तो उन्हें वहां से परमिट जो है अलाउ करता था सुल्तान, ठीक है। उसके बाद से इस बाजार में अलाउद्दीन ने मुल्तान के रेशमी कपड़े के व्यापारियों को कम कीमत पर रेशमी वस्त्र बेचने के लिए, ठीक है, मुल्तान के जो रेशमी, आपके रेशमी व्यापारी थे जो कपड़ों का व्यापार करते थे, उनको यहाँ पे आपका रेशमी वस्त्र बेचने के लिए 20 लाख टके तक की सब्सिडी प्रदान की थी, ठीक है। ये टका और जीतल वही है जिसे इल्तुतमिश ने चलाया था क्वाइन। चलिए तीसरा बाजार देख लेते हैं, तीसरा बाजार इसका क्या था। तीसरा जो बाजार था वो घोड़ों और गुलामों तथा पशुओं के लिए बाजार था। इसमें क्या होता था कि आपके विभिन्न देशों से लोग कई नस्ल के घोड़े लाते थे, गुलाम लाते थे और पशु लाते थे, उनका जो है यहाँ पे बेचा जाता था। तो उनमें भी आपके कई घोड़े रहते थे, उनकी भी कीमत अलग अलग टाइप से लगता था। अगर कोई तेज तर्रार घोड़ा है, काफी तेज है, युद्ध के लिए उसे सैनिक के लिए लिया जाता था, सेनापति का जो घोड़ा हुआ तो उसके दाम अलग होते थे, सिपाहियों के लिए जो घोड़ा लिया जाता था उसके दाम अलग होते थे, तो उस टाइप के डिफरेंट टाइप के यहाँ पे होते थे। अब चौथे जो आपके आते हैं
बाजार के बारे में, ये आपका बाजार है सामान्य बाजार, या सिंपल सा जो आपके गांव में आपके घर के आसपास जैसे मार्केट होता था वैसे ही वहां पे भी इसने स्टेब्लिश किया था इस टाइप का मार्केट, जिसमें आपको क्या मिल जाए, आपके दिनचर्या की जो चीजें हैं जैसे सब्जी है, मिठाई है, आपके जो कपड़े हैं सिंपल जो पहनने वाले, वो टाइप की चीजें मिल जाएं। तो ये चौथा आपका बाजार था। तो सबसे सक्सेस जो बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा इसका जो बाजार था वो कौन सा था, गल्ला मंडी, अनाज मंडी वाला जो बाजार था वो सबसे सक्सेस था। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए कुछ इतिहासकारों का इसमें लेकर मतभेद है कि जो इसके क्षेत्र थे कि कहां कहां ये लागू था। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली के आसपास था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पूरे भारत में लागू था। देख लेते हैं किसका क्या कहना है। बाजार नियंत्रण नीति के क्षेत्र को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। मोरलैंड के अनुसार ये केवल दिल्ली के आसपास के ही क्षेत्रों में लागू था। मोरलैंड जो इतिहासकार हैं ये बोलते हैं कि ये जो जितने भी इसने मंडी अपना पूरा का पूरा बाजार नियंत्रण प्रणाली बताया वो सिर्फ कहां पे लागू था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। मगर वहीं पे आपके वीपी सक्सेना कहते हैं कि नहीं ये पूरे भारतवर्ष में लागू था। तो एक तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण नीति थी ये संपूर्ण भारत में लागू करने की कोशिश तो थी, परंतु उसे सफलता कहां मिली थी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसे जो है बाजार नियंत्रण जो है नीति थी इसकी सफल हुई थी, बाकी की जगह उतना सफल कारगर नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन के मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं कि अलाउद्दीन की मंत्रिपरिषद में कौन कौन सा ये विभाग था और कौन उसका हेड था, कौन उसका मंत्री था, क्या काम होता था उसके अंतर्गत। तो पहला ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आपसे एकदम सेम हूबहु ऐसे कूट बना लेगा, ठीक है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डाल देगा, पूछ देगा इधर विभाग देगा, इधर कार्यरत दे देगा कि कौन होता है इसका मतलब मंत्री। तो इसमें है, ठीक है, दीवाने वजारत में क्या होता था, इसका जो मेन होता था वो वजीर कहलाता था, जिसे मुख्यमंत्री कहते थे एक तरह से। इसके जो इसका पूरा का पूरा राज्य में जो विभाग बने थे, ये आपके चार विभाग थे, जिसमें दीवाने वजारत में वजीर होता था, दीवाने रिसालत में विदेश विभाग होता था, दीवाने ईसा में क्या होता था, यह जो दीवाने रिसालत था इसमें विदेश विभाग, मतलब जितने भी विदेश से रिलेटेड काम काज होते थे, चाहे वो विदेश के व्यापारी यहाँ पे आए जब परमिट के लिए आए, तो पहले इंफॉर्मेशन किसे मिलेगा, इसे ही मिलेगा, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होता था ये, जैसे आज भी होता है ना आपका विदेश विभाग, उसका क्या काम होता है, जितने भी अभी COVID-19 में देख रहे हो जितने लोग बाहर फंसे हैं उनमें किसका खासा रोल होता है, एक्सटर्नल अफेयर का ही होता है कि वो अपने जो यहाँ के देश के निवासी है उनको किसी तरह सुरक्षित वापस जो है घर लेके आए। उसके बाद से दीवाने ईसा, इसमें क्या होता था कि शाही आदेश का पालन होता था, जो मतलब सुल्तान कहता था उसके आदेश का पालन कराना किसकी जिम्मेदारी थी, दीवाने ईसा की जिम्मेदारी थी। और दीवाने आरिज के बारे में मैंने आपको बताया था, दीवाने आरिज चाहे दीवाने अर्ज जिसे बोलते हैं वो क्या था, सैन्य मंत्री था, ठीक है, सैन्य विभाग था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि बाजार नियंत्रण के लेकर इसने कुछ विभाग बनाए थे उसे देख लेते हैं कि बाजार को कैसे नियंत्रण किया जाए। ऐसे तो सिंपल कर नहीं सकता था, इतना बड़ा लेके आया था ये सिस्टम, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को रखेगा, कुछ विभाग बनाएगा। तो वो विभाग क्या क्या थे, देखो, एक था बारीदे मंडी, ये आपसे एग्जाम में एकदम हो वो ऐसे ही टेबल बना के पूछेगा, बारीदे मंडी इसका अधिकारी कौन होता था, बाजार निरीक्षक, जो बाजार को देखे, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा बाजार चले वही होता था बारीदे मंडी, उसके जो अधिकारी होता था। उसके बाद सहानाए मंडी, ठीक है, मैंने बताया सहानाए मंडी क्या होता था, सहानाए मंडी ये होता था जो गल्ला बाजार था उसका प्रमुख होता था ये, ठीक है, तो इसे बोलते थे बाजार अधीक्षक, ये इसे रिपोर्ट करता था, निरीक्षक जो है बाजार निरीक्षक किसे रिपोर्ट करता था, बाजार अधीक्षक को रिपोर्ट करता था। और आपका जो बाजार अधीक्षक है वो कहां, दीवाने रियासत में रिपोर्ट करता था, और दीवाने रियासत का जो है वो सुल्तान को रिपोर्ट करता था। दीवाने, देखो, दीवाने रियासत है ये बाजार नियंत्रक है, मतलब पूरे के पूरे बाजार को, इन सबको भी कंट्रोल करने वाला कौन था, दीवाने रियासत ही था, ठीक, इसके अंतर्गत पूरा का पूरा बाजार जो है, तीनों चार प्रकार के बाजार हैं वो सभी पे कंट्रोल दीवाने रियासत करता था, ठीक। उसके बाद मनहयान, ये क्या था, ये गुप्तचर था, इसमें क्या होता था कि सुल्तान अपने गुप्तचरों को जनता के बीच में भेष बदल के, कपड़े बदल के उनको भेज देता था, कि अगर कहीं भी किसी भी दुकान पे, कहीं भी किसी भी मंडी में सुल्तान के प्रति कोई जो है उनके प्रति बोला जाए
तो तुरंत मुझे खबर करो कि तख्ता पलट होने की कोई भी शंका अगर जाहिर हो तुरंत बताओ, तो उसका शर्त क्या करें, धड़ से अलग करा दें। ठीक, पूरा का पूरा बलबन की तरह ये भी राज करता था। सराय अदल, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बाजार भी था मगर इसमें एक विभाग भी बनाया गया था जिसका क्या था नाम, जो मेन इसका काम था वो न्याय अधिकारी का काम था। न्याय, इसमें जो अधिकारी थे वो क्या थे, न्याय अधिकारी थे, मतलब न्याय का काम इनका सौंपा गया था इनके जिम्मे। अब आ जाते हैं कुछ जो ये बाजार मैंने आपको बताए थे चार प्रकार के, उससे रिलेटेड कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने अधिनियम निकाले थे, मतलब कानून निकाले थे, एक्ट निकाले थे कि कैसे कैसे उसमें किसके किस अधिनियम के द्वारा कौन कौन सा पालन होना है, उसे देख लेते हैं। जैसे पहला अधिनियम क्या था, ये सभी प्रकार के अनाजों का भाव निश्चित करता था। ठीक है, जितने भी अनाज होते थे उनका भाव पूरा का पूरा एक निश्चित कर देगा कि इतने रुपए ज्यादा आपको लेना नहीं है। जैसे कह सकते हो कि आज भी आपका क्या होता है, MSP गवर्नमेंट तय करती है ना, उससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता है, उससे ज्यादा कोई लेगा तो फिर क्या होता है, उसे पनिशमेंट भी मिलता है। ठीक, और उससे कम भी लेगा तभी भी, मगर आज भी क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं, जो जो लोग FCI तक नहीं पहुंच पाते हैं, MSP पर नहीं दे पाते हैं, वो बीच में किसी को दे देते हैं तो उन्हें कम ही दाम में देना पड़ता है, तो इसमें दोनों लोगों की गलती होती है। भैया हर जगह जब FCI है तो आप जाओ वहां पे दो। ठीक है, उसी हिसाब से इसने भी क्या किया था कि जो बिचौलिए थे, जो दलाल थे मार्केट के, उसको खत्म कर दिया था इसने। ठीक है, और सभी अनाजों के प्राइस फिक्स कर दिया था, कि MSP आप बोल सकते हो कि लगा दिया था। तो गेहूं का क्या प्राइस था, 7.5 जीतल प्रतिमान था। ठीक है, जीतल वह एक ताका और जीतल चलाया था ना इल्तुतमिश ने, वही है ये। जौ का प्राइस क्या था, 4 जीतल प्रतिमान कर दिया था, और चावल और चना का जो था वो 5 जीतल प्रतिमान कर दिया था। आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही अन्य जो भी आपके अनाज थे उनका 3 जीतल, इससे के अलावा जो थे वो 3 जीतल प्रतिमान था। दूसरा अधिनियम किसके अंतर्गत आता है, क्या कहता है, दूसरा अधिनियम बोला था कि जो मलिक कबूल उलुक था उसे क्या कहा जाए, उसे प्रमुख बना दिया जाए, किसका, आपका जो गल्ला मंडी है उसका, और उसे कौन सा पोस्ट दे दिया जाए, सहाना ए मंडी। ठीक है, सहाना ए मंडी नियुक्त कर दिया जाए और ये पूरा का पूरा बाजार को निरीक्षण करे। ठीक है, जो आपका गल्ला मंडी था उसका प्रमुख रहेगा। तीसरा अधिनियम क्या है, तीसरा अधिनियम बोलता है कि जो सरकारी गोदामों में गल्ला को इकट्ठे करने से रिलेटेड था। ठीक है, तीसरा अधिनियम आपके जो सरकारी गोदाम बने थे उनमें गल्ला को इकट्ठा करना है। ठीक है, कि आपके भविष्य के लिए जो काम करे। चौथा अधिनियम क्या था, चौथा अधिनियम राज्य के सभी अन्य वाहक सहना ये मंडी के अधीन कर दिए गए, उन्हें दिल्ली के आसपास बसा दिया गया, मतलब जितने भी राज्य के और भी जो आपके मंडी से रिलेटेड कामकाज थे उसको किसके अंतर्गत कर दिया गया, सहना ये मंडी से रिलेटेड कर दिया गया, कि उसी के देखरेख में जो भी होगा आपके दिल्ली के आसपास का वो सब सहना ये मंडी देखेगा। आगे देखते हैं जो आपका पांचवा अधिनियम क्या था, जो मैंने बताया आपको कि जमाखोरी, मतलब जो बिचौलिए थे मार्केट के उनको क्या किया गया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये आपका खत्म कर दिया गया, इनका काम हटा दिया गया। उसके बाद से छठवां अधिनियम क्या था आपका, इसमें जो था आपके जो अधिकारी किसानों से खरीदने जाते थे उन्हें भी कहा गया कि आप एक निश्चित मूल्य पे उनसे, क्योंकि वो उसी मूल्य पे उनसे ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, अगर जोर जबरदस्ती करते हो तो आपको उसके लिए सजा दी जाएगी। ठीक, उससे रिलेटेड था कि कोई किसान भी अगर चाहे तो डायरेक्ट आके यहाँ पे उसी मूल्य पे बेच सकता है अपना जो है अनाज है। उसके बाद से सातवां जो अधिनियम था वो क्या था, सुल्तान के को प्रतिदिन मंडी से संबंधित, ठीक है, सुल्तान को प्रतिदिन मंडी से संबंधित रिपोर्ट करना था। ठीक है, तो वो कौन करता था, भाई जो मंडी का हेड होगा, जैसे सहाना मंडी, ठीक है, वो करता था। हर एक बाजार का हेड जो होता था वो सुल्तान को शाम को जाता था, पूरा का पूरा रिपोर्ट बताता था कि भैया इतने आज बिके हैं, इतना रुपया आया है, इतना यहाँ खर्च हो गया, इतना घाटे में है चाहे इतना फायदे में है, जो भी रिपोर्ट होता था वो सब बताता था। और इसकी जो है कि छानबीन जो सुल्तान भी कराता था कि ये जो लोग हैं प्रमुख हैं मंडी के, ये लोग सही हैं कि नहीं, अपने में ईमानदार हैं कि नहीं, तो वो गुप्तचर इनके पीछे लगाया रहता था कि पता चल जाए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो चीजें मंडी में हुई कि हाँ इतना ही गल्ला आया, इतना ही बिका है और इतने ही प्राइस पे बिका है, तो ये सुल्तान को गुप्तचर के
से भी पता चल जाता था कि हाँ ऐसा ही ऐसा है। तो इसलिए इन लोगों की भी जो है आपका भ्रष्टाचार करने का कभी वही नहीं होता था कि अगर पता चल जाए कि कोई भ्रष्टाचार किया है तो सुल्तान क्या करता था, बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अगर कोई भी गल्ला मंडी में आपका जो इसका बाजार था कोई भी भ्रष्टाचार करता था, मान लो कोई व्यापारी आया और वो अपने अनाज में 200 300 ग्राम 400 ग्राम जो भी अगर सोचे मार ले जाएं, किलो में मार ले जाएं, तो जितना वो अनाज में मारता था उतना ही क्या करता था, जब पता चल जाता था तो सुल्तान उसके शरीर से मांस जो है निकलवा लेता था। जैसे 500 ग्राम उसने अगर कम कर लिया, कोई बाजार में बेच रहा है कुछ भी और सुल्तान को पता चल गया कि 500 ग्राम कम बेचा है, तो वो क्या करता था, उसको बुलाता था और कहता था इसके शरीर से 500 ग्राम मांस निकाल दो। ठीक है, तो ऐसी कड़ा सजा जो है अलाउद्दीन अपने शासनकाल में देता था। का आठवां अधिनियम जो है वो क्या बोलता है कि अकाल के समय जो है अनाजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके लिए रखा गया था यह अधिनियम, जिसे बोल सकते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है पीडीएस, गांव-गांव में होता है ना कि जहां आप लोग राशन कार्ड दिखा के अनाज लेते हो, वैसे इसने भी व्यवस्था किया था। वो किस अधिनियम के किया था, आठवें अधिनियम के तहत किया था। अब आ जाते हैं भैया जो दूसरी मंडी है उससे रिलेटेड आपका क्या क्या जो है अधिनियम निकाले, जो कानून निकाले, जैसे कौन सी थी, सराय अदल। ठीक है, जहां पे आपके क्या क्या बेचे जाते थे, आपके घी तेल ये जो बेचे जाते थे उसका बाजार था। तो उसमें क्या होता था मेनली कि यहाँ पे सिर्फ 10,000 के टके के मूल्य तक वस्तुओं बेची जा सकती थी। इस बाजार में एक कानून था कि इसमें सिर्फ 10,000 टके तक के ही वस्तु को बेचा जा सकता है, उससे ऊपर नहीं बेचा जा सकता। इससे रिलेटेड आपके 5 नियम बनाए गए थे। कौन कौन से थे? पहला नियम ये था कि सराय अदल की स्थापना दिल्ली के आसपास ही होगी और कहीं नहीं होगी। मतलब जो सराय अदल है ये सिर्फ दिल्ली के आसपास ही इसका मार्केट रहेगा, बाकी और कहीं नहीं रहेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, इसमें क्या हुआ था, सभी चीजों के जो है आपके जो इस मार्केट में बेची जा रही थी इसका भी दाम तय किया गया। जैसे उसमें गेहूं जौ चना सबका दाम तय किया गया, तो यहां पे जो घी कपड़ा जो तेल ये सब मिलता था उसका भी दाम तय किया गया। कैसे किया गया, देखो रेशमी कपड़ा 2% से लेकर 16% तक, सूती कपड़ा 6 जीतल से लेकर 24 जीतल तक। ठीक, उसके बाद से 1 शेर देसी घी आपको अगर लेना है तो 1 जीतल में, और नमक 1 जीतल में 5 शेर मिलता था। तो ये इसे जो है आपके प्राइस तय किए गए थे जो इस मार्केट में वस्तुएं बेची जाती थी। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा नियम क्या था कि भैया जो भी व्यापारी इस मार्केट में होगा तो उसका पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड था। चौथा अधिनियम क्या था, चौथा अधिनियम यह था जो मुल्तानी व्यापारी थे आपके जो रेशम का व्यापार करते थे उन्हें बोला गया था कि आप लोग एक तरह से सराय अदल मतलब जो ये मार्केट है इसका नियंत्रण जो है देखोगे। ठीक, और पांचवा अधिनियम यह था कि जो परवाना नवीस था इसका प्रमुख, इस मार्केट का जो प्रमुख होता था परवाना नवीस, उसे क्या किया गया, नियुक्त किया गया था और कहा गया था कि तुम इस बाजार में जो भी व्यापारी बाजार करने आएगा उसके लिए क्या जारी करोगे, परमिट जारी करोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले जो आपका बाजार था उसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि कौन सा बाजार था। चौथा वाला आपका घोड़ों दासों और पशुओं के लिए जो बाजार था उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि किस्म के आधार पर मूल्य निर्धारण था। मतलब जिस प्रकार का दास होगा, जितना फुर्तीला दास होगा, चाहे जितना फुर्तीला घोड़ा होगा, चाहे जितना फुर्तीला पशु होगा, उसके हिसाब से, ठीक है, उसके दाम तय किए गए थे। व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन भी जो था जरूरी था। दलालों पे जो बीच के बिचौलिए थे आपके मार्केट के, दलाल शब्द का मतलब आज भी जानते हो, कहीं भी हर एक चीज में जो है आपका मार्केट में दलाल होता है। चाहे आप आज के समय अगर स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो कमरा लेने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पे भी आपको दलालों का जो है सहायता लेना पड़ता है। ब्रोकर जिसे बोलते हैं, ब्रोकरेज चार्ज देते हो, ठीक है, मकान भी बड़ा बड़ा खरीद रहे हो वहां भी आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब दलाल जो थे इनको क्या किया था, इसने मार्केट से हटा दिया था, तो ये इस पे नियंत्रण किया था। ठीक है, और सुल्तान द्वारा इनको जो वारंट दिया जाता था उसका निरीक्षण किया जाता था। आगे अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें तय किया गया था प्राइस, क्योंकि ये घोड़ों का जो बाजार था तो इसमें जो घोड़े थे इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे जो अच्छे किस्म की जो घोड़े थे उन्हें 100 से लेकर 120% में बेचा जाता था, जो सबसे तेज तर्रार जो सेनापति के घोड़े होते थे कहा जाए,
तो उसको कितने में बेचा जाता, 100 से 120। बाकी आपके जो मध्य किस्म के घोड़े होते थे जो सेनाओं को मिलता था वो 80 से 90% के बीच में बेचा जाता था। बाकी आपके जो लास्ट तृतीय श्रेणी है वो 65 से 70% के बीच में, और जो सिंपल घोड़ा होता था जो वहां पे कुछ लोग आपके राजे रजवाड़े रखते थे जो उनके जमींदारों को दिया जाता था, तो वो 12 से 20% के बीच के घोड़े रहते थे। दासों के दाम भी उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता था, वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं तो उनकी प्राइस क्या होती थी, उनकी कम होती थी। नौजवान हैं काफी तो उनकी प्राइस ज्यादा होती थी, स्त्रियों की प्राइस ज्यादा होती थी। जैसे देखो अच्छे किस्म का जो दास होता था वो 20 से 30% का होता था, दासियों की जो प्राइस होती थी वो 20 से 40% का होता था। ऐसे ही आपके जो गाय भैंस थी उनमें भी प्राइस था, जो आपकी भैंसे थी उन्हें 10 से 12% थी, गाय थी वो 3 से 4% का दाम था। तो ऐसे सभी के प्राइस जो है इसने निर्धारण किए थे। बोला जाता है कि ये अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा है, जब ये सब नियंत्रण प्रणाली लगाया तो क्या ये अपने उद्देश्य में सफल रहा, जो इसका उद्देश्य था कि बाजार को हम कंट्रोल कर लें तो खर्चे कम होंगे, जब खर्चे कम होंगे तो हम लोगों को जो पेंशन आपको सैलरी दे रहे हैं सैनिक को वो क्या होगा, कम देना पड़ेगा। क्योंकि इसने क्या किया था, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको इकता दिया जाता था सैनिकों को वो इसने हटा दिया था, सैनिकों का इकता उसने क्या दिया, सैनिकों को सैलरी पे रख दिया। ठीक है, जब सैलरी पे रख दिया तो सैलरी कम ना पड़ जाए उसके लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। ठीक, तो जब बाजार में चीजें एक फिक्स दाम पे हो गई तो ये कम दाम पे जो है सैनिकों को रख लिया, तो इस उद्देश्य में यह सफल रहा। इतिहासकार कहते हैं ये अपने उद्देश्य में सफल रहा, मगर इसकी जो ये प्रणाली थी बाजार के मार्केट कंट्रोल की वो काफी दिनों तक चल नहीं पाई। बाद में जो शासक आए वो क्या किए, इसे हटा दिए। जैसे आपका तुगलक वंश आता है तो आपका कौन गाजी आता है, गाजी जिसको गैसुद्दीन तुगलक कहते हो आप लोग, वो क्या करता है इसके प्रणाली को पूरी तरह से हटा देता है और जैसे आपका पिछला था बलबन वाली प्रणाली था उसे लागू कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं इसमें दीवाने रियासत जो है आपसे पूछता है, इसने ये विभाग नया बनाया था। ठीक है, तो पूछता है कि दीवाने आपका रियासत जो है किसने, किसके शासन काल में आया, किसने इसको बनाया। ठीक है, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसके तहत क्या होता था, पूरा का पूरा बाजार नियंत्रण किया जाता था, मैंने बता भी दिया, और जितने भी बाजार में कर्मचारी काम करते थे इनकी नियुक्ति भी यहीं से होती थी, जैसे सहाना परवाना, राजकीय गुप्तचर, व्यक्तिगत गुप्तचर, इन सबकी नियुक्ति कहां से होती थी, यहीं से होती थी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अब आज के देख लेते हैं कि इसके राजस्व प्रणाली और सैन्य सुधार नीति क्या थी। ठीक है, कहा जाता है कि इसने गरीब बनाने के लिए, हिंदुस्तान की जनता को सबसे ज्यादा गरीब बनाने के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा कर लगा दिया कि लोग कर देते देते ना गरीब बन गए। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को इतना गरीब बना दो कि उनके मन में विद्रोह का जो है बात है वो कहीं से आए ही नहीं। और इसने और क्या किया, पूरा का पूरा इंटरकास्ट मैरिज जो था कि आप लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो, उसको बंद करा दिया। अगर आपको करना है मैरिज, कोई भी समारोह करना है, कोई भी फेस्टिवल करना है, तो मेरे से पहले परमिशन लो तब जाके करोगे। ठीक है, तो इसके कर व्यवस्था को देख लेते हैं हम लोग। तो इसने क्या किया कि जितने भी लोग पहले से, ठीक है, वंशानुगत लोग थे, जैसे आपके चौधरी लोग थे, जमींदार लोग थे, वो कर वसूलते थे, उनको क्या किया, मार्केट से हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, और अपने कर्मचारियों को, मतलब एक तरह से बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफिसर को रखना शुरू कर दिया। यहाँ पे जैसे क्या होता था पहले, इससे पहले क्या होता था कि जैसे मान लो आपके राजस्थान का मैं रथम बोल ले लूँ, वहाँ पे जो भी राजा है मान लो इसने जीत लिया तो उन्हीं से बोलता था कि जो भी कर वसूलना हो आप ही करो। ठीक है, मगर इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन के शासनकाल में इसने क्या किया, वो बोला कि नहीं, जो भी तो चौधरी जमींदार जो लोग थे, कहते नहीं तुमने बहुत कर लिया, चाहे बूढ़े हो जाएं, उनके क्षमता ना हो, तो उन सबको क्या किया, हटा दिया और अपने सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया और उनके पास जो भी जमीनें थी वो भी छीन लिया। तो वो देख लो किसे किसे हटा दिया था, जैसे वो सब मैक्सिमम हिंदू थे तो हिंदू से तो ये चिढ़ता था ही। ठीक है, तो इसीलिए हिंदुओं के पास तो ये सबसे ज्यादा अत्याचार कहा जाए तो हिंदुओं पे किया था। ठीक, इनको ये कहता था कि हिंदुओं को एकदम गरीब बना दो, उनको इतना लूट लो, उनकी जितनी भी जमीनें जायदाद हैं सब ले लो अपने में अंदर। ठीक,
तो जितने जागीरदार थे, ठीक है, मुकद्दम थे, खुद थे, चौधरी थे, इन सबको क्या किया, जो वसूलते थे कर इनको हटा दिया, इनको जो दिया गया था कि नियंत्रण उनसे वापस ले लिया गया। उसके बाद से जो लोग शासन की सेवा ना करने वाले अथवा अयोग्य लोगों को दी गई जो भूमि थी, ठीक है, जो लोग वैसे ही छोड़ देते थे भूमि, उस पर कोई काम नहीं करते थे, उनसे भूमि ले लिया गया और उसे कहां किसके अंतर्गत लिया गया, खलीसा के अंतर्गत। खलीसा क्या होता था, ये एक तरह की भूमि होती थी जो सुल्तान के अंतर्गत मतलब सुल्तान के नियंत्रण में आती थी, ठीक, उसमें मिला लिया गया। दूसरा क्या काम किया इसने, कृषि क्षेत्र में सुधार किया। इसने क्या किया, जो आपका पहले से अनुमान के आधार पर भू राजस्व लगता था उसे हटा दिया, ठीक है, उसे हटाकर क्या लगाया, पैमाइश के हिसाब पे, मतलब भूमि को नाप कर उस पर कर लगा दिया, ठीक है। तो ये एक दिक्कत होगी, मैंने बताया ना जितना इसे मन पड़ा कि जो जो पड़ा इस पे कि जिस हिसाब से कर लगाना हो जनता पे उस हिसाब से कर लगाओ, उनसे पैसा वसूलो, वो चाहे मर जाए, ठीक है, कर देते देते। उसके बाद अलाउद्दीन ने क्या किया, ये पहला मुस्लिम शासक था जो पैमाइश बोला जाता ना, पैमाइश लगा के कर लगाया था, ये पहला शासक था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इस पॉइंट से कि पहला जो चाहे प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश लगा कर कर लगाया था, भूमि की पैमाइश करा के जो है कर लगाया था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसने क्या किया था, भूमि को बिघा या बिस्वा में नपवाया था और इसके कर जो है तय किया था। आगे बढ़ जाते हैं, मैंने बता दिया कि सबको जो है हटवा देता है और वेतन भोगी राजकीय अधिकारियों को क्या करता है, नियुक्त करता है कि जितने इनके पर आपके वंशानुगत लोग थे जो आपके टैक्स वसूलते थे उनको हटा देता है और अपने अधिकारी जो होता है उनको नियुक्त करता है जो आपके किस पे थे, सैलरी बेस्ड पे थे। उसके बाद से कुछ और अलाउद्दीन ने इन वंशानुगत अधिकारियों को विशेष अधिकार कुछ मिला होता था, कुछ लोग होते थे, ठीक, जैसे उनको क्या मिला रहा था, हकूक एक होती, किस्मत एक होती, ठीक है, ये एक आप बोल सकते हो विशेष अधिकार था। इसके अंतर्गत क्या होता था, जो जमींदार लोग होते थे वो क्या करते थे, किसानों से, जैसे जो जिनको ये मिला होता था विशेष अधिकार, हकूक एक होती, उसके अंतर्गत जो जमींदार होता था वो क्या करता था, किसानों से जो टैक्स लेता था उस टैक्स का 10% हिस्सा अपने पास रख लेता था, बाकी जो है 90% वो राजा को देता था, तो इसका भी फायदा होता था, ठीक है। तो ये सब फायदा देखते हुए उसने क्या किया, इन सब को ये सब जो दिया गया था विशेष अधिकार ये सब छीन लिया। और इसमें क्या होता था, किस्मत एक होती में क्या होता था, किसानों से अलग से टैक्स लिया जाता था, ठीक है, जो किसान होते थे उनसे अलग से टैक्स लिया जाता था एक प्रकार का, उसे भी इसने हटा दिया, इस पर भी नियंत्रण किया और सभी चीजें ये खत्म करके सबको एक समान कर दिया, चाहे वो जमींदार हो, चाहे चौधरी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, सबको एक समान कर दिया और सब पे टैक्स लेने लगा। पहले उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था मगर अब देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इतिहासकार बरनी के अनुसार, ये कहता है भैया कि अलाउद्दीन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जो हिंदू जमींदार थे, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उनकी जो स्त्रियां थी वो मुसलमानों के घर में क्या करने लगी, काम करने लगी, जो वो चाहता था वो कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था वो कर दिया, मतलब जमींदारों को इतना गरीब बना दिया कि उनके घर की जो स्त्रियां थी वो क्या मुस्लिमों के घर में काम करने लगी थी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसने क्या किया था, एक और कर लगाया था, जो नया कर लगाया था कि आपका जितना भी उपज होता है जमीन के उसका 50% सीधे 50% आप क्या करोगे, कर के हिसाब से सुल्तान को दोगे, मतलब उस कर का नाम दिया खराज, मतलब आपके जमीन में जितना, आपके जमीन जितना है आपके पास 50 बीघा 40 बीघा 10 बीघा उसमें जितना पैदाइश होती है, ठीक है, उसका 50% आप क्या होगा खराज कर दोगे, किसको, सुल्तान को दोगे, ठीक। तो इतना कर भाई लेने लगेगा तो इंसान तो वैसे गरीब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ हिंदुओं से ही कर लेता था, मुस्लिमों से लेता था मगर कम लेता था, थोड़ा उनके प्रति
दया भावना दिखाता था। तो गैर मुस्लिमों से ये जजिया, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे तो जजिया लेता ही था। मैंने इसके बारे में बताया जजिया किसने लगाया था, पहली दफा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, कहाँ, सिंध क्षेत्र में, जब उसने आक्रमण किया था और सिंध को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने बोला या तो इस्लाम अपना लो या जजिया टैक्स दे दो। तो ये जजिया कर वही है, गैर मुस्लिम जितने लोग थे उनको टैक्स देना होता था जजिया का, और जो मुस्लिम थे, और वो भी कौन मुस्लिम, जो धनी मुस्लिम थे, उन्हें कौन सा कर देना होता था, जकात कर देना होता था। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है, जकात कर किस पे लगता था, मुस्लिमों पर लगता था। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर लागू किए, वो कौन कौन से थे, एक था चराई कर, जो किस पे लगाया जाता था, जो दुधारू पशुए होते थे उनके चारा पर लगाया जाता था, ठीक है, और एक था आपका घरही कर, इस पे घरों पर जो है कर लगाया जाता था। तो ये दो नए कर इसने, जो आपके बोला जाए हाउस टैक्स, इस समय देते हो ना कमर्शियल जो हाउस टैक्स होता है वो देना पड़ता है, तो उसी तरह से इसने भी क्या लगाया, तो घरों पे झोपड़ियों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। कोई भी मतलब छोड़ा नहीं था कि किसी मामले में किसी को छोड़ दे किसी टैक्स से, तो सबको लाद दिया था इसने। उसके बाद से अलाउद्दीन ने एक जो ये खम्स कर होता था, जो युद्ध समय लड़ा जाता था उससे जो लूटा हुआ माल होता था, ठीक, वो इल्तुतमिश के समय उल्टा था। उसमें क्या होता था, एक भाई पांच भाग सुल्तान रखता था, मतलब इल्तुतमिश ने एक भाई पांच भाग उसका रखता था, मगर इसने उसका क्या किया, पलट दिया, इसको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपना सैनिक बढ़ा सके और भारत पे ज्यादा से ज्यादा जगहों पर आक्रमण करके अपना राज फैला सके, इसीलिए इसने क्या किया, इसे पलट दिया और चार बाई जो लूटा हुआ होता था 4/5 उसका जो है अपने पास रखता था, बाकी 1/5 जो सैनिक उसके साथ ये काम करते थे लूटते थे उनमें बांटवा देता था, ठीक है। तो ये याद रखना, इसे पलट दिया था इसने, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद से सैन्य व्यवस्था पे चले आते हैं, तो सैन्य व्यवस्था में इसने क्या किया था कि जो सैनिकों की भर्ती की थी उसका पूरा एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कह सकते हो, कि ऐसे नहीं अरे गिरुआ कोई भी, हाँ चलो हमारे चाचा अलाउद्दीन खिलजी हैं तो हम भी अपने भतीजे को भेज दें, हम भी अपने भांजे को भेज दें कि सैनिक में भर्ती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उसने तो भ्रष्टाचार पूरा तरह से खत्म कर दिया था, इसीलिए इसने प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन एक लिस्ट के थ्रू जो है सैनिक भर्ती कराया, ठीक है, और जितने भी घोड़े जिस मंगाए जाते थे उन पर जो है एक दाग लगा के, मतलब मुहर लगा के वो किया गया कि ये रजिस्टर्ड घोड़े हैं, ठीक है, ये खरीदे गए हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं कि हाँ कोई भी कहीं से घोड़ा लेके चलाया बोल दे इसका भी दाम दे दीजिए, ये सब चीजें वो खत्म कर दिया था। इसीलिए इसने एक प्रथा चलाई थी, क्या, दाग और हुलिया प्रथा। इसमें क्या होता था कि सैनिक और घोड़ों का रजिस्ट्रेशन होता था कि हमारे पास इतने सैनिक हैं, ठीक, इतने घोड़े हैं, तो पूरा का पूरा उनके पास एक लिस्ट रहती थी। तो वो कौन सी थी, दाग और हुलिया प्रथा। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है, दाग और हुलिया प्रथा किसने चालू किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने एक बहुत अच्छा काम किया था कि इसने अपने जो धार्मिक चीजें थी, इस्लाम धर्म था, उसे अपने शासन प्रणाली से दूर ही रखा था, मुझे इंक्लूड नहीं किया था। जैसे क्या होता है, धर्म गुरु जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सुल्तान में इंटरफेयर करने लगते हैं, तो उसे पहले ही बोल देता है कि जितने काजी ओजी होते हैं कि भैया तुम लोग अपना अलग देखो, मुझे शासन चलाने दो चुपचाप। और इसका मन तो यहां तक ये भी था, ये चाहता था क्योंकि था कि हम क्या करें, एक नया धर्म चलाएं, किसकी तरह, मोहम्मद साहब की तरह, ठीक है। मगर कुछ लोगों ने इनसे बोला, अरे सुल्तान बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत लोग विरोध कर देंगे इसका, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में इसने, ठीक है, अपने आप को रोक लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है एक बार आपसे आयोग ने कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसके मन में जो है एक नया धर्म चलाने के लिए बात की थी, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इनके बारे में हो गया कि इनका शासन व्यवस्था कैसा था, इनकी बाजार नीति कैसी थी, इनका सैनिक नीति कैसा था। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे बुढ़े हो गए थे, मैंने पूरा का पूरा इनका वो बता दिया आपको कि कैसे ये पूरा अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, इतना समय करने में सेना के साथ समय भी चला जाता है और धीरे धीरे जो है बुजुर्ग भी होते जाते हैं और सठिया भी जाते हैं। तो जब धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगते हैं तो इतना चिड़चिड़ा, इतना मतलब बोल सकते हो सनक जाता है, सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है एक तरह से। तो मलिक कपूर कहता है ये पगला गया है एकदम, उसे भी मतलब लगने लगता है ये किसी काम का नहीं है बुढ़वा। तो वो उसको मारने के साजिश करता रहता है, और क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी से एक दिन
कहता है कि आपको मारने का प्लान बन रहा है, खुद ही प्लान बनाता रहता है और बोलता है आपको मारने का प्लान जो है आपके बेटे और आपकी पत्नी बना रहे हैं। और उसके वजह से क्या कहता है, एक वसीयतनामा तैयार कराता है उससे, और उस वसीयतनामा में कि अगर ये मर जाए तो इनके बाद कौन रहेगा, तो वो क्या करता है जितने इनके बेटे होते हैं उनसे वहां पे हटवा देता है मलिक कपूर कि इन्हें जो है गद्दी ना दीजिएगा, अपने पोते को दीजिएगा, वो सही है, छोटा रहता है, बाकी मैं उसके साथ रहूंगा हमेशा मलिक कपूर। ठीक है, तो यही होता है। सुल्तान को क्या करता है, मलिक कपूर ही जहर दे के बोला जाता है इतिहासकार कि उसे मार देता है। ठीक है, जैसे ही वो मर जाता है तो राजगद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और उसमें मलिक कपूर भी दावेदार करने लगता है कि हम भी इस गद्दी पर बैठने के दावेदार हैं। मगर यहाँ जो बात है वो कि यहाँ पे जो तुर्क अमीर आपके जो अमीर होते हैं वो इसके फेवर में नहीं रहते हैं। ठीक है, वो विद्रोह करने लगते हैं कि नहीं ये पोस्ट सुल्तान की वंशानुगत है, तो उसी लिए उनसे वंश क्या ही कोई होना चाहिए, जब वंश का कोई जिंदा है तो भाई उन्हीं के वंश का होना चाहिए। तो मलिक कपूर निकलता है, कहता है कि सुल्तान ने वसीयतनामा लिख के गए थे, मेरे पास है, मैं बताता हूँ उसमें क्या कहे हैं उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो खिज खा का नाबालिग पुत्र था सियाबुद्दीन उमर, उसको सुल्तान बनाने की बात कही थी। किसका? खिज खा। ये खिज खा वही है जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था और इसी के नाम से चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था, खिज खा रख दिया था। ठीक है, तो इसी का जो पुत्र था सियाबुद्दीन उमर, उसी को सुल्तान बनाया जाता है। ये सब देख के आपके उसके जो तीनों पुत्र होते हैं कौन, खिज खा, सल्दी खा और मुबारक खा, ये तीनों क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो मलिक कपूर क्या करता है, खिज खा का और सल्दी खा की आंखें निकलवा लेता है और मुबारक खा को क्या करता है, आपका बंदी बना लेता है। तो एक बाकी सब तो अंधे हो गए, एक मुबारक खा ही ठीक ठाक बना रहता है। उसके बाद से मुबारक खा क्या करता है कि जब किसी तरह से जेल से रिहा होता है, वो जेल से रिहा होने के बाद मलिक कपूर को हत्या करा देता है, क्योंकि जानता है कि अगर ये जिंदा रहा तो मैं गद्दी पे कभी नहीं बैठ सकता। ठीक है, और यहाँ पे जो तुर्क होते हैं आपके जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मुबारक खा को सुल्तान, जो सुल्तान कौन बना था, सियाबुद्दीन उमर बना था ना, उसका नायब ममलिकात बना देते हैं। मैंने बताया था कि नायब ममलिकात क्या होता था, ऐसा पोस्ट होता था जिसके अंतर्गत मैक्सिमम सुल्तान की पावर उसी के पास होता था। ठीक है, और जैसे ही इस पोस्ट पे आता है वो धीरे से एक आपका क्या समय देखता रहता है कि कब इसको सियाबुद्दीन को हटा दिया जाए, और सियाबुद्दीन को हत्या करा देता है और गद्दी पर किस नाम से बैठ जाता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से जो है आपका सुल्तान बन जाता है। और सुल्तान बनने के बाद ये अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित कर लेता है। मतलब हर बार क्या होता था कि बगदाद में खलीफा होते थे वो क्या करते थे, सुल्तान की उपाधि देते थे जो यहाँ दिल्ली सल्तनत पे राजा बनता था। और ये इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से बैठा गद्दी पर और कहा कि खुद ही हम ही खलीफा हैं, अब कोनो कोई खलीफा वलीफा नहीं है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन यहां से पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो कौन था भाई साहब, यही थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं ये कौन कौन सी उपाधि लिए थे, काम से ज्यादा तो ये उपाधि ही ले लिए थे। ठीक है, अलवासिक विल्ला, खलीफतुल्लाह, खिलाफतुल्लाह, ठीक, खलादुन खिलाफत, अल इमाम, उल इमाम, ये सब उपाधियां थी इनकी। ठीक है, उसके बाद से हम बढ़ जाते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 19 अप्रैल 1316 को दिल्ली पर जो है सिंहासन पर बैठा था, और 1316 से लेके, क्योंकि 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो जाती है और 1320 तक ये रहता है। इसने अपने मंत्री खुसरो शाह जो है इसका मंत्री था उसके साथ मिलकर देवगिरी के जो राजा थे हरपाल देव, मैंने बताया था कि जब शंकर देव को मार दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा देवगिरी जो है दिल्ली सल्तनत में समाहित कर लिया जाता है, मगर बाद में जब ये हरपाल देव आते हैं, और कहीं कहीं आपको हरमपाल देव मिलेगा, ठीक है, वो आते हैं, वो कहते हैं भैया सुल्तान से कि हमें दे दीजिए हम राज करेंगे, तो सुल्तान भी खुसरो को उनको दे देता, बोलता है कि भैया बस पैसे भिजवाते रहना, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कौन राज करेगा। ठीक है, तो उस पर आक्रमण करता है, क्योंकि ये विद्रोह कर देते हैं, आक्रमण करता है और उसे उन्हें किडनैप कर ले आता है और उसकी खाल को उधरवा देता है। ठीक है, और देवगिरी का नाम जो है ये बदल कर क्या रख देता है, कुतुबाबाद या कुतुबुल इस्लाम रख देता है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि इसने क्या किया था, देवगिरी का नाम बदल के क्या रख देता है, कुतुबाबाद या कुतुबुल इस्लाम रख देता है। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या क्या किया था इसने अपने शासनकाल में, ठीक है, ये अपने शासनकाल में गुजरात में विद्रोह हुआ था, उसका दमन किया था उसने, अपने किसको, एक इक्तेदार था एन उन मुल्क को भेजा था, ठीक है, वहां पे जो विद्रोह हुआ था उसको दमन करने के लिए। वो अपना मैक्सिमम समय जो है कहां बिताता था, ये मैक्सिमम समय अपना सुरा और सुंदरियों के साथ बिताता था, ठीक है। उसके बाद से हम आ जाते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने सैनिक को 6 माह का अग्रिम वेतन, मतलब पहले से ही बोला जाए कि एडवांस पेमेंट कर दिया था, सैनिकों को 6 महीने का एडवांस पेमेंट दे दिया था। सैनिक एकदम खुश कि भैया 6 महीना एडवांस पेमेंट हमें पहले ही मिल चुका है। उसके बाद से इसने विद्वान एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई जहांगीर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो वंशानुगत जहांगीर, वो आपके चौधरी थे, जहांगीरदार थे, उनसे जो छीन ली गया था उसे वापस कर देता है ये, ठीक है। उसके बाद से जो अलाउद्दीन के द्वारा ये कठोर दंड नीति थी, इन सबको समाप्त कर देता है। और इसके लिए एक फेमस बात जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत जो है पसंद थी, ठीक है, अपनी इसी संगत के कारण कभी कभी वो राज्य दरबार में स्त्री के वस्त्र पहनकर आ जाता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी लाइन से कि कौन सा वो सुल्तान था जो राज दरबार में स्त्री वस्त्र पहनकर भी आया करता था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, ठीक है। बर्नी कहता है कि मेरे अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ता था, ठीक है। तो इसकी कुछ ऐसी खासियत थी, ये जो आपके एग्जाम में इसकी खासियत पूछी जाती है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब इनका बात जो होता है, इनकी हत्या करके इनका जो मंत्री होता है वो सिंहासन पे बैठता है, और जैसे ही सिंहासन पे बैठता है कुछ दिन के लिए रहता है, 1320 में वो बैठता है, वो क्या रहता है आपका, वो हिंदू रहता है जो मुस्लिम धर्म अपनाया रहता है। तो इससे क्या होते हैं, जो आपके मुसलमान होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, कहते नहीं ये हिंदू था पहले अब मुसलमान बना है तो ये हमारे इस्लाम के लिए सही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये अगर राजा रहेगा सुल्तान रहेगा तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए उसे क्या करते हैं, गाजी मलिक को चढ़ा देते हैं और उसे मरवा देते हैं। जैसे वो मर जाता है और यहीं पे गाजी मलिक जो है अपना नया वंश की स्थापना करता है, जिसे कहते हैं हम क्या, तुगलक वंश। तो हम बाकी जो है तुगलक वंश के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा पूरा का पूरा तुगलक वंश पे डिपेंड होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।